हेलमेट था लगे बना हेलमेट था लगे दमे हेलमेट लाग हेलमेट ऐसा नियरो जिगर बाहर आराम से रहिए पका शुक्रिया ऐसे नियरो घर बन चलो जिगर आराम से रहिए पका अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई जो है ना बढ़िया होंगे। दो दिनों के बाद जो है ना आपका भाई फाइनली निकला है व्लॉग बनाने के लिए। आप सबको पता है रिसेंटली ना हम जम्मू गए थे एंड जम्मू सिटी से ना हम वापस आ चुके हैं। दो दिन हो गए, दो दिनों से मैं घर में था एंड आज है थर्ड डे भाई जम्मू सिटी से जब हम वापस आए। आज मैंने सोचा जाते हैं यार व्लॉग बनाते हैं, एक अच्छी सी लोकेशन पे जाएंगे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भाई टाउन ऑफ सैफरन पापुर में, ठीक है ना। यहाँ सैफरन अभी देख पा रहे होंगे भाई, ये देखो भाई सैफरन देख रहे हो, ये पूरे फील्ड्स जो है ना सैफरन से भरे हुए हैं एंड ये जगह जो है ना बहुत अमेजिंग है। आजकल ये ट्रेंडिंग में, तो जब हम भी व्लॉग स्टार्टिंग जो है ना यही से करते हैं, एक मोटो व्लॉग करेंगे आज, ठीक है। काफी मजा आएगा भाई। सेटअप जो हम यूज कर रहे हैं एंड ये सेटअप जो है ना काफी प्यारा है, ठीक है। आप सबको सेटअप में चेक करा तो मेरे ग्लव्स गिर गए भाई, इंटरकॉम भी लगा है, हम बात वगैरह कर सकते हैं, फोन वगैरह कर सकते हैं एंड हीरो 11 कैमरा जो है ना वो हमने अपग्रेड किया। जो मेरा पुराना हेलमेट था ना उसमें भाई तारे वगैरह काफी लटकती थी, बट इसमें हमने वो चीज नहीं रखी, सारी वायरिंग जो है ना वो पैडिंग के अंदर से की। तो ये सेटअप जो है ना, ये कैमरा वगैरह जो है ना, ये हमने आमिर भाई से लिया एंड आमिर भाई को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस व्लॉग ना। उन्होंने हमें अपना सेटअप दिया, बोला इससे आप व्लॉग्स बनाओ, ठीक है। आप देखे साथ सही रहते हो ना वो भी। किसी बंदे से अच्छे से चलते हो ना वो भी साथ निभाता है, ठीक है ना। एंड ये सेटअप जो है ना काफी प्यारा है, इसमें अल्ट्रा वाइड मिलेगा, आज हम इससे मोटो ब्लॉग करेंगे, काफी मजा आएगा। यहाँ पे हमारे पास भाई आ चुका है, ये लोकल है यहाँ के एंड इन्होंने पैकिंग किया, ठीक है। सैफरन जो है ना भाई इस बॉक्स में, ठीक है। एंड ये भैया बता रहे हैं इसमें 1 ग्राम है एंड उठाते हो, पैकिंग करते हो, उसके बाद भेजते हो, ठीक है। इसकी अतर भी बनी है, ठीक है ना, ये आपको चेक कराते हैं। ये देखो भाई सैफरन की अतर, ये भाई जो है ना सेल करते हैं टूरिस्ट वगैरह को, ठीक है। वेल गाइस, अभी हम सैफरन के फील्ड से निकल रहे हैं एंड अभी लाइट जो है ना भाई कैमरा पे पड़ रही है, साफ नहीं आ रहा होगा, बट ये फील्ड जो है ना काफी खूबसूरत है। यहाँ पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है, सैफरन जो है ना काफी खूबसूरत दिख रहा है भाई। ये फ्लावर्स चेक कर लो ना, एक भैया मुझे बता रहे थे नियर अबाउट 2 लाख फ्लावर्स जो है ना वो 1 kg आता है, ठीक है। एंड ये जमा करने होते हैं, अगर पूरा सैफरन नहीं होता, इसके अंदर सैफरन होता है। ये इसका कलर मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखना, ये देखो भाई ये होता है असली सैफरन, ठीक है। आप खाते हो ना भाई, ये कलर छोड़ता है आपके लिप्स पे, ठीक है। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था यहाँ पे सनसेट हो जाए एक बार एंड उसके बाद जो है ना हम राइड करेंगे, ठीक है। बाइक्स जो है ना यहाँ पे लगी है, मैंने आप सबको बाइक्स नहीं दिखाई है अपनी अंजिला, ठीक है। काफ़ी टाइम से हम राइड नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स आपको पता है भाई कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना अपनी लाइफ में चलती रहती है एंड 2 महीने हुए, 2 महीनों से मैंने कोई मोटो व्लॉग नहीं किया, आज करेंगे भाई, ठीक है। हमें अंदर जाना है ना, यहाँ पे ना एक गांव है, ठीक है, बता रहे हैं वो लोकेशन काफ़ी सुंदर है, हम वहाँ पे चलेंगे। वॉइस सेटअप जो है ना वो हम हीरो 11 यूज़ कर रहे हैं एंड इसमें अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है, ठीक है। अल्ट्रा वाइड जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ है, टैंक भी आ रहा है एंड ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर दिख रही है। फील्ड्स में ना सैफरन नहीं उगता भाई, गोल्ड उगता है, बिकॉज सैफरन का प्राइस जो है ना वो काफ़ी अच्छा है भाई, सैफरन में रेट इनको सही मिलती है एंड खुद सेल करते हैं। हमारे पास ना एक भैया अभी आए थे, आपने देखा भाई 250 में वो सेल कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से 10-15 फ्लावर्स होंगे, रेट इनको बढ़िया मिलता है भाई, सेब से अच्छा है। ये भाई दो जो है ना लोकल है भाई, ये हमें गाइड कर रहे हैं, उन्हें बताया यहाँ से आगे एक लोकेशन है वहाँ पे आपको आना चाहिए, मैंने बोला चलते हैं भाई, काफ़ी टाइम से ना अंदर बैठे थे, फिर ना इस चीज़ का वेट कर रहा था भाई सनसेट कब हो, एंड सनसेट में वीडियो जो है ना वो काफ़ी सही आता है, ठीक है, मज़ा आता है फिर व्लॉग बनाने में। लोकेशन कहते हैं, लोकेशन लोकेशन कहते हैं, ओके चल। अच्छा ये जगह बता रहे थे, इस चिनार के लिए हम लोग यहाँ पे आया, ठीक है। ये रोड के सेंटर में है भाई, यहाँ पे 4-वे है, ठीक है। ये जगह जो है ना मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। इसका नाम क्या है यहाँ से, इसका वन रोड उन्द्रुस, यहाँ से कौन सी जगह पड़ती है यहाँ से, ओके कैसे नाव उन्द्रुस। चीज़ का आपका भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना, ये सनसेट का वो सेट में राइड करें, ठीक है। क्या लाइट आ रही है अभी भाई, बहुत सुंदर है, सारी चीज़ें जो है ना गोल्डन दिख रही है। पीछे पीछे हेलमेट था लगे, हेलमेट था लगे बना हेलमेट था लगे ऐसा नहीं यारो जिगर भाई शुनि खुद आराम से रह जा पका शुक्रिया ऐसे नहीं घर बन चलो जिगर आराम से रह जाओ पका।
कर रहा हूँ 2-3 दिनों के बाद। आप जम्मू से वापस आया था, इतना खुशी थी भाई मैं मोटो व्लॉग करने जाऊंगा, पर 4 दिन हो गए, 4 दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। नगरोटा में ही एक एक्सीडेंट हो गया था जब हम जम्मू से वापस आ रहे थे, वो चीज़ अपने दिमाग से नहीं निकल रही थी। 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन घर में बैठा। उसके बाद जो है मैं राइड पे निकला, मैंने सोचा व्लॉग बनाता हूँ। एंड हम पांपुर गए थे, ठीक है, हम ना उस पेड़ के नीचे बैठे थे एंड हम सनसेट का वेट कर रहे थे, भाई सनसेट हो जाए उसके बाद जो है ना हम वीडियोज शूट करेंगे। अरे पास ना वहाँ पे 2 भाई जो है वो लोकल थे, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी बाइक्स देखी। एंड उसके बाद जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, ठीक है, उनसे एक भाई जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन हमारे साथ जी रहा था। इंसान को पता नहीं होता भाई कौन इंसान कब जाए इस दुनिया से, बट बहुत गलत हुआ, ठीक है ना। उस भाई का नाम था, आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, उस भाई का नाम था साहिल एंड उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये वीडियो मैंने शेयर क्यों किया, बिकॉज उसने अपना आखिरी दिन जो है ना मेरे साथ स्पेंड किया, 3-4 घंटे मेरे साथ स्पेंड किए। एंड जब वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लोकेशन है, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये भाई दो जो है ना लोकल है भाई, ये हमें गाइड कर रहे हैं, इन्होंने बताया यहाँ से आगे एक लोकेशन है, वहाँ पे आपको आना चाहिए। मैंने बोला चलते हैं भाई, लोकेशन कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। ओके, तो मुझे नई जगह जो है ना वो एक्सप्लोर करना पसंद है। उस भाई ने अच्छे से हमारे साथ राइड किया, मुझे वहाँ लेके गया एंड उसके बाद जो है ना वहाँ पे हमने व्लॉग वगैरह बनाया, ठीक है। फिर हम वहाँ से वापस आए, दिन की बात है, एंड उनका एक्सीडेंट जो है ना रात को हुआ था। उसके बाद मैंने उसको नेशनल हाईवे पे छोड़ा, ठीक है ना, पांपुर में हम निकल गए घर की ओर। एंड उसको मैंने बोला, 2 बार मैंने बोला भाई बाइक जो है ना आराम से चलाना, ऐसा नहीं यार जिगर भाई शुनी खुद आराम से ना पका, शुक्रिया घर बहन चलो जिगर आराम से ना जाओ पका। 2 बार मैंने बोला भाई बाइक जो है ना आराम से चलाना, आराम से चलाना, ठीक है, खुद का ख्याल। साहिल भाई को भाई बोला, ठीक है, उसने दिन को मुझे घुमाया, वो बहुत खुश था, ठीक है। अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया एंड लोकेशन मुझे दिखाई, ठीक है ना, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था साहिल भाई जो है अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी रहे हमारे साथ। कौन सी जगह? एंड उसके बाद हम घर पहुंचे, ठीक है ना। मैंने इंस्टाग्राम जो खोला ना वहाँ पे मैं न्यूज देख रहा हूँ कि साहिल भाई नहीं है, ठीक है, वॉक पे चला गया। भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो भाई अभी कुछ घंटे पहले हमारे साथ था, ठीक है ना, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। एंड उसके बाद जो है ना हमारी हालत ख़राब हो, आपके साथ दिन को हो, अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको लोकेशन वगैरह दिखाए, ठीक है, आपको अपने साथ लेके जाए, एरिया अपना घुमाए, एंड उसके बाद शाम को आप घर पहुंचते हो, आप न्यूज़ देखते हो, वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी भी ये चीज़ जो है ना मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो भाई मेरे साथ वो बंदा है, ठीक है। वो ब्लॉग में जब मैं एडिट कर रहा था ना, पर रोया है मैंने, ठीक है ना, बेचारे की एक गलती थी, उसने हेलमेट वेयर नहीं किया था, ठीक है ना। वो सबको आनी है, ऊपर वाले ने लिखा होता है, ठीक है, किसी को बाइक का बहाना होता है, किसी को कोई और बहाना होता है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग भी दिया है, अगर हम ये चीज़ चलाते हैं ना, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, 101% ये जान लेती है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया, आप अपनी जान की ना हिफाजत करो, ठीक है ना। अगर आपको पता है ये चीज़ गलत, अगर गिरेंगे, ठीक है, सर बजता है सबसे पहले, एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं भाई मौत होती है, ठीक है, ऑन स्पॉट डेथ होती है, तो खुद का ख्याल रखो, ठीक है ना, हेलमेट पहनो। लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा साहिल भाई के लिए, दुआए मगफिरत करना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए एंड उनकी फैमिली को ना सब्र दे, ठीक है ना। वो 6 बहनों का अकेला भाई था एंड अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा लड़का था भाई, मुझे 3-4 बार मिलाया मेरी लाइफ में, दुनिया से वो चल बसा, लेकिन बाकी भाई जो है ना ख्याल रखे, आपकी भी फैमिलीज है, ठीक है, आपकी भी बहन है, कभी माँ बाप है। सो अगर आप बाइक्स नहीं छोड़ सकते, आप बाइक्स चलाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलाने के लिए होती है, लेकिन खुद का ख्याल रखना है, ठीक है, अपनी फैमिली का सोचो, आराम से हमेशा बाइक्स चलाओ। इस क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी एंड उनकी फैमिली भी अगर व्लॉग देख रही है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बाकी मेरे जितने भी भाई हैं ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ये फॉलोवर्स, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये सारा कुछ यही पे रहने वाला है। इस चक्कर में मत पड़ो किसके फॉलोवर्स कितने हैं, कौन ग्रो कर रहा है, हम कब आगे पहुंचे, हम कब कोई हट के चीज करे, ठीक है, फिर लोग हमें बोले। ये चीज जो है ना, ये चीज जान खाती है, जान लेती है। अपनी जिंदगी जो है ना कंट्रोल में जियो। मैं भी यूट्यूब पे 5 सालों से हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन 5 सालों में 100 की नहीं कर पाया, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। दोस्त थे जो 5 दिन में ग्रो होते हैं, 10 दिन में ग्रो होते हैं, ठीक है, उन्होंने लाख 2-2 लाख किए, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची होगी। मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल से जीता हूँ, जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है ना मैं खुशी ढूंढता हूँ, ठीक है, जो जीना है भाई अच्छे से जीना है, क्योंकि यही दिन है जिंदगी के जीने के, उसके बाद हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ठीक है। जिंदगी में ये पीरियड जो होता है ना भाई, इसमें आपको चीज़ें समझनी है। जिंदगी का वो स्टेज होता है जब लड़कों का खून जो है ना सबसे ज्यादा गर्म होता है, हम ऐसी चीजें कर बैठते हैं, हमारी जान चली जाती है, ठीक है। खुद का ख्याल रखो, ठीक है, तुम सब मेरे भाई हो, हमारा छोटा भाई सही, ठीक है, खुद का ख्याल रखो। ऐसी गाय सबकी माँ जो है ना उनके घर में वेट कर रही होती है। हाँ था होती है, तो क्या अपनी माँ का सोचो, ठीक है, अपनी फैमिली का सोचो भाई, ये बाइक्स वगैरह जो है यहीं पे रहनी है, फैमिली का सोचो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाइक्स चलाओ, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग जो है ना वो बाइक्स नहीं छोड़ सकते, अटैचमेंट है, इमोशन से, ये बाइक्स जो है ना लड़कों को संभालती है, ये चीज़ सच है, बट जान का ख्याल रखना, ठीक है। चलो अभी गेट बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ख्याल रखना खुद का, ठीक है, साहिल भाई के लिए दुआ करना।